के अंदर मैंने यूज़ की तो इन्वर्टर भी चला जाएगा। जैसे मेरे को 2-3 वीक हो गए पोस्ट बेकार सा फ्राइंग पैन, बेकार सा स्टार्च या कॉर्नफ्लावर कुछ भी बोलो ऐसी क्ले बना रही हूँ जिसका ऐड करेंगे वाटर, फिर थोड़ा सा मैं 2-2 क्ले ऐड, देखा कि मेरा फ्रेम ही टूट चुका। This is Ritu and welcome back to my channel. So guys, today I shoot here क्योंकि मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही बहुत टाइम से एंड बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं डे लाइट में शूट कर रही हूँ एंड रिंग लाइट मैं यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैंने यूज की तो इन्वर्टर भी चला जाएगा, इसलिए आज के लिए हमारा यही बैकग्राउंड होने वाला है, तो काम चला लेना। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, कम से कम मेरे को 2-3 वीक हो गए हैं पोस्ट किए बिना लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट तो मैं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो एंड बीच में मैं कहीं चली भी गई थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, सॉरी गाइस। नाउ कम टू द पॉइंट कि आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ होममेड क्ले। वैसे तो मैं क्ले मार्केट से लेके आ जाती हूँ और उससे क्ले क्राफ्ट भी कर देती हूँ, बट आई वॉन्ट कि क्ले बनती कैसे, इसलिए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि क्ले कैसे कैसे बनाते हैं, लिटरली मेरे को बहुत सारी वीडियोज बनी एंड बेसिकली आज हम बना रहे हैं 1-2 क्ले। तो जो फर्स्ट क्ले हम बनाने वाले हैं वो है पॉर्सिलिन क्ले एंड इसका नाम तो मैंने लिटरली पहली बार सुना है। दूसरी क्ले हमारी होने वाली है वॉल पुट्टी क्ले, तो इन दोनों में होने वाला है बैटल, फिर फेविकॉल ऑयल, विनेगर, एक पैन चाहिए, स्पैचुला चाहिए, गैस यूज, इसमें आप गैस भी यूज़ कर सकते हो, ओवन भी यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर गैस क्योंकि अगर ओवन में कुछ माइक्रोवेव में कुछ हो गया तो मेरी पक्का डांट लग जाएगी, तो इसलिए आई प्रेफर गैस। तो लेट्स स्टार्ट इट। पोर्सिलिन क्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक बेकार सा फ्राइंग पैन, बेकार सा कप एंड देन हाफ कप ऑफ फेविकॉल हम उसमें ऐड करेंगे, देन उतना ही मेजर क्वांटिटी में हम कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर कुछ भी बोलो वो ऐड कर लेंगे, फिर देन एडिंग ऑयल, एडिंग विनेगर एंड फिर करेंगे हम उसको मिक्स 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 अच्छी तरीके से करेंगे उसको मिक्स जब तक कुछ इस तरीके से बन जाए, देन आई एडिंग एक्रेलिक कलर, वाइट एक्रेलिक कलर ताकि हमारी क्ले जो है वो येलो ना पड़े बाद में। अब बारी इसको हीट करने की, तो हम लो फ्लेम में इसको हीट करेंगे एंड साथ के साथ मिक्स भी करेंगे। एंड गाइस मैं ऐसी क्ले बना रही हूँ जिसका नेम भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ मैं। एनीवेज मैंने क्ले को गैस से उतार लिया है, अब उसको हम कॉर्न स्टार्च लेके अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, देन हमारी क्ले रेडी हो जाएगी, बट अभी भी हमारा प्रोसेस बाकी है। हमने एक पॉलिथिन लिया है, उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया है। नाउ वेट फॉर द सेकेंड डे। तब तक हमारी ये पॉर्सिलिन क्ले सूख रही है, हम बनाते हैं दूसरी क्ले जो कि है वॉल पुट्टी क्ले। इसके लिए हमें चाहिए होगा वॉल पुट्टी, वाटर एंड ऑयल, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, तो बनाते हैं। चलो तो दूसरी क्ले बनाने के लिए मैंने ले लिया थोड़ी सी पुट्टी, ये बोल, ये स्पून एंड ये ऑयल। अब जितनी क्ले बनानी है उतनी मैंने पुट्टी बोल में कर ली है, देन हम ऐड करेंगे वाटर, फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम वाटर ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड ये लो वाटर मिक्स। वाटर मिक्स के खेल खेल में मैंने पुट्टी भी ज्यादा गीली कर दी है, तो मैं थोड़ी सी पुट्टी और ऐड करूंगी। अपनी गलती ना दोहराते हुए मैंने इसमें ऐड किया ऑयल, फिर हम इसको मिक्स करेंगे, मतलब जो सारे हमें मिक्सिंग प्रोसेस अच्छे से करनी है। देन मैंने अपने हाथ यूज़ कर लिया क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो अब मैं थोड़ा सा लास्ट में फिर से ऑयल लूँगी क्ले को अच्छे से स्मूथ करने के लिए। नाउ इट्स रेडी, हमारी क्ले बन के तैयार हो चुकी है। अब मैंने डायरेक्टली क्ले यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, मेरी टेबल गंदी ना हो जाए इसलिए मैंने एक शीट भी रख ली है। इस क्ले से मैं बनाने वाली हूँ ये वाली पैनकेक वाली फ्रिज मैग्नेट। तो सबसे पहले हमें पैनकेक बनाने की जरूरत है, तो मैंने ये 3 छोटे-छोटे सर्कल्स बना लिए हैं। अब प्लेट बनाने के लिए मैंने बड़ा कैप लिया है और उससे बड़ा सर्कल बनाया है। इसके बाद ही मेरी क्ले बच गई थी, तो मैंने ये सारे पीसेस बना दिए एंड लेट्स सी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। 4-5 आवर्स मैंने देखा कि क्ले सूखी है नहीं, बट वहां पे मुझे क्या देखा कि मेरा फ्रेम ही टूट चुका है। सो मैं सोचा अब जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उन्हीं को ही कलर कर लेते हैं, तो मैंने सैंड पेपर से घिसना स्टार्ट किया। अब 1 by 1 मैं सारे एलिमेंट्स को पेस्ट करती जाऊंगी फेविकॉल की हेल्प से, बट गाइस मेरे को ना अभी से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसको बनाने का, बट हमें इसको पूरा तो करना है, तो इसलिए मैं 1 by 1 सारे एलिमेंट्स पेस्ट करते जाऊंगी। देन हम अप्लाई करेंगे इस पे 1 कोट जैसो का, क्योंकि ज्यादा कोट करने की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे ये लग रहा है कि मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ एंड ये भी ना टूट जाए, हम पूरा ट्राई करेंगे कि ये ना टूटे। एनीवेज अब मैंने कलरिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स पे कलर करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने प्लेट पे किया, देन हमने पैनकेक पे किया, अब मैं स्ट्रॉबेरी पे कर रही हूँ ऐसी, देन ब्लूबेरी एंड मैंने छोटू सा बटर भी बनाया ऊपर, तो हम उस पे भी पेंट करेंगे।
आफ्टर दैट जब हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो जाए देन में हम छोटी छोटी सी डिटेल्स भी एड ऑन कर देंगे एंड लास्ट में हम अप्लाई करेंगे इस पे वार्निश। तो एक कोट वार्निश का अप्लाई करके तो हमारी फ्रिज मैग्नेट अच्छे से बन चुकी है एंड इट लुक्स सुपर क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। बस मुझे उसी का डर है कि ये टूट ना जाए क्योंकि हमारा फ्रेम भी टूट चुका था। एनीवेज अब हम कल फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे पॉर्सिलिन क्ले से क्योंकि उसको एक दिन का टाइम लगता है। नेक्स्ट डे लेट्स सी कि हमारी क्ले की क्या हालत है, मैंने अच्छे से बनाई है या नहीं बनाई है या कुछ गड़बड़ कर दी है क्ले बनाने में। तो सबसे पहले हम क्ले को निकालेंगे। ओके, तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, अब हमें जितनी जरूरत है उतनी मैं क्ले ले लूंगी एंड देन फिर से पैक करके डब्बे में रख दूंगी। तो अब हम बनाएंगे इससे भी फ्रिज मैग्नेट, बट मैं बनाने वाली हूँ क्यूटू सा छोटू सा केक। तो कलर ऐड करने के लिए हमें चाहिए होंगे सॉफ्ट पेस्टल, तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर ऐड किया क्योंकि हमारा केक होने वाला पिंक कलर का। देन हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड ये क्ले थोड़ी सुपर क्ले जैसी है बट इसमें हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हमारा गोला बन के तैयार हो गया, अब बारी है इसको केक के शेप देने की। तो हमारा बेस जो है केक का वो तो रेडी हो चुका है एंड एक साइड मैंने थोड़ा सा फ्लैट सरफेस छोड़ा है ताकि हम उसमें मैग्नेट पेस्ट कर सके। अब बारी है इसको केक को डेकोरेट करने की, तो मैंने व्हाइट कलर की क्ले फिर से ले ली है एंड देन हम उसके दो सिलेंड्रिकल ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर उसे रोल 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 करके फिर हम फेविकॉल की हेल्प से ऊपर वाले कॉर्नर पर चिपका देंगे। फिर मैंने छोटे छोटे गोले बना लिए हैं, उसको भी हम ऊपर वाली साइड में ऐसे चिपका देंगे। देन फिर मैंने लिया है रेड कलर की क्ले, मतलब उसमें रेड कलर का सॉफ्ट पेस्टल मिलाया है। देन उससे बनाई है छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी स्ट्रॉबेरी एंड उनको भी पेस्ट कर देंगे। बट अभी भी हमारा केक बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था तो मैं इसको और ज़्यादा डेकोरेट कर रही हूँ। जब लास्ट में पूरा केक तैयार हो जाएगा देन आई ऐड वार्निश, एक कोट हम वार्निश का ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा केक इज रेडी। लगता है मैं इस बार अपने बर्थडे पे यही केक काटने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि आपका बर्थडे कब आता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने दोनों टाइप के क्ले बना चुकी हूँ। तो जो पॉर्सिलिन क्ले से मैग्नेट बनाई है वो है ये क्यूट सा छोटू सा केक, क्यूट लग रहा है ये एंड इसके पीछे मैंने मैग्नेट लगाई है। एंड दूसरा हमने वॉल पुट्टी से बनाया है ये पैनकेक वाली फ्रिज मैग्नेट एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो नाउ वी आर टॉक अबाउट कि कौन सी वाली क्ले बेस्ट है, कौन सी वाली क्ले मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो होने वाला है प्रोसेस। तो प्रोसेस में हमें कितना ज़्यादा टाइम लगा, मतलब बनाने में हमें कितना टाइम लगा। तो पॉर्सिलिन क्ले में मेरे को लगा, मतलब बनाने में भी बहुत टाइम लगा एंड उसमें हमें एक दिन वेट करना पड़ा, देन हम उससे कोई क्राफ्ट बना सकते हैं और उसको भी सूखने के लिए एक दिन लगा। तो इसलिए पॉर्सिलिन क्ले में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है रेदर देन वॉल पुट्टी क्ले। इसका जो पॉइंट जाता है वो जाता है वॉल पुट्टी क्ले को। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकेबल, कौन सी क्ले इजली ब्रेक हो सकती है। तो मैं इसकी तो पूरी गारंटी दे सकती हूँ कि ये क्ले तो नहीं हो सकती ब्रेक, बट ऐसा इसका तो आपने वीडियो में ही देख लिया होगा कि वो सूखते सूखते ही ब्रेक हो गई थी। तो लेट्स सी कि ये ब्रेक होती है नहीं। सो गाइस ये इजली ब्रेक हो गई है, इसलिए इसका पॉइंट जाता है हमारा ये पॉर्सिलिन क्ले को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोर, हम कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो पॉर्सिलिन क्ले को हम कम से कम 6-7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट वॉल पुट्टी क्ले में ये होता है कि हमें तुरंत बनानी होती है जितना हमें जरूरत है और फिर हम उसको यूज करते हैं। तो इसका पॉइंट हमारा जाता है पॉर्सिलिन क्ले को। नेक्स्ट है विच लुक बेटर, मतलब हम जो क्राफ्ट करते हैं उसके बाद कौन सा बेटर लगता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाते हैं। अगर मेरे को दोनों ही अच्छी लग रही है अपनी अपनी जगह पर, तो ये पॉइंट दोनों को जाता है। हमारे 3 पॉइंट जाते हैं पॉर्सिलिन क्ले को, 2 पॉइंट जाते हैं हमारे इस वॉल पुट्टी के क्ले को। तो मेरे लिए विनर है पॉर्सिलिन क्ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि गाइस इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा दिन लगते हैं, एडिटिंग प्रोसेस लगता है, तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो वीडियो को लाइक एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मैं वीडियो अपलोड करूं पहुंच जाए। सो गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो। मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आया क्ले बनाने में एंड आप लोग भी इसको ट्राई करना, काफी ज्यादा मजेदार प्रोसेस है। सो ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।